गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल इन शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास, लेट्स टेक 1 मिनट रिलैक्स। ओके, सो टेक द पोजिशन लाइक दिस एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर आईज एंड गेट बैक टू योर पोजिशन। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट पीरियड एंड दिस इज योर हिंदी लिटरेचर पीरियड, यू नो ना। सो टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक विच इज सुरभि हिंदी पाठमाला। ओके, आपको सुरभि हिंदी पाठमाला की पुस्तक निकालनी है और पेज नंबर पृष्ठ संख्या 70 अर्थात 70 सॉरी प्रश्न संख्या 69 ओपन करनी है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लालच का फल। बच्चों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको पाठ 5 मूर्ख की संगति पढ़ाया था। उसके बाद मैंने उसके बाद की क्लास में यानी इससे जस्ट पहले की क्लास में मैंने आपको उसके अभ्यास कार्य का मिलान कराया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लालच का फल। और बच्चों, लालच का फल जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, लालच का फल तो कैसा होता होगा, बुरा ही होगा, है ना। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक किसान ने अपने लालच के कारण अपना स्वयं का नुकसान कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं कहानी कैसी है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में कौन रहता था? एक गांव में कोई किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। एक दिन गांव में क्या है, गांव में एक महात्मा आए। जैसे कि मैंने लिखा है, गांव में एक किसान रहता था, किसान बहुत गरीब था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए, महात्मा अर्थात संत पुरुष आए। ठीक है, आए तो उस किसान ने उन महात्मा की बहुत सेवा की। किसान ने महात्मा की बहुत सेवा की तो महात्मा जी उसकी सेवा भाव से बहुत खुश हो गए। और खुश होकर उन्हें खुश होने के साथ साथ उन्हें किसान पर दया आई, क्योंकि किसान बहुत गरीब था और इसके बावजूद उसके अंदर सेवा भाव बहुत था। तो किसान के ऊपर जब महात्मा जी को दया आई तो उन्होंने क्या किया, किसान को एक मुर्गी दी और कहा कि ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है, तो सोने के इन अंडों से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी ने किसान को एक सोने की एक मुर्गी दी। और मुर्गी क्या करती थी, मुर्गी सोने का अंडा देती थी प्रतिदिन। उन्होंने क्या बताया था कि प्रतिदिन अर्थात रोज, वो रोज क्या करती थी, एक सोने का अंडा देती थी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसान मुर्गी पाकर बहुत खुश हो गया और जैसा कि महात्मा जी ने बताया ना, वो मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी और किसान उसको बेचता था और धीरे धीरे किसान धनी होने लगा। उसके पास प्रतिदिन अंडा आता था तो इतनी उसकी जरूरतें भी नहीं थी, तो धीरे धीरे उसके पास पैसा होता गया, वो अमीर हो गया। लेकिन जब वो अमीर हो गया तो उसके दिमाग में लालच भी आ गया। अमीर होने के साथ साथ क्या हो गया, किसान के मन में लालच भी आ गया, वो लालची भी हो गया। उसने सोचा एक दिन कि ये मुर्गी प्रतिदिन रोज एक अंडा देती है, प्रतिदिन एक अंडा देती है सोने का, तो ये अंडे आते कहाँ से हैं? जरूर इसके पेट में ही बहुत सारे अंडे छिपे हुए होंगे या बहुत सारे अंडे हैं। तो अगर मैं ये जो रोज एक अंडा देती है तो मैं धीरे धीरे अमीर हो रहा हूँ, अगर मैं वो सारे अंडे एक साथ मुझे मिल जाए तो मैं एक साथ इस गाँव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और मतलब उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में बस बहुत सारे पैसे एक साथ कमाने का, एक साथ पाने का लालच आ गया। इस लालच में उसने सोचा कि एक साथ में सारे अंडे कैसे पाऊं, तो उसने
उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस मुर्गी का पेट ही चीर दूं और सारे अंडे ले लूं। अगली सुबह उसने अपने लालच का उसको उसका जो लालच था वो उसके ऊपर हावी हो गया और वो सुबह उठा और उसने उस मुर्गी के पेट को फाड़ दिया। मुर्गी तो मर गई लेकिन उसे एक भी अंडा नहीं मिला, उसको वहां पर एक भी अंडा नहीं मिला। अब किसान सिर पीट पीट कर रोने लगा। जो उसको प्रतिदिन रोज उसको एक एक अंडा मिल रहा था, जिससे वो धीरे धीरे अमीर हो रहा था, उसके सारे खर्चे उसके सारे काम चल रहे थे, अब उसे एक भी अंडा नहीं मिला और बल्कि जो अंडा देने वाली मुर्गी थी वो भी चली गई। तो किसान बहुत दुखी हो गया और सर पीट पीट कर सिर पीट पीट कर वो रोने लगा और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने लालच के कारण आज मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से भी हाथ धो दिया है। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा, इस पाठ से हमने सीखा कि लालच का फल बुरा होता है। हमें किसी भी चीज के बारे में हद से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जितना है हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए और अपनी मेहनत से अपने काम को करना चाहिए और जो मेहनत से मिला है उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमें कोई चीज किसी के आशीर्वाद से या किसी ने दे दी है तो हमें ये लालच नहीं करना चाहिए कि हमें वही व्यक्ति और भी दे, है ना। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इस किसान की तरह। अगर वो किसान इस मुर्गी को न मारता तो धीरे धीरे तो उसके पास रोज को एक सोने का अंडा आ ही रहा था ना, और वो अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे काम करता तो अपना नाम भी बना सकता था। लेकिन लालच के जब उसके मन में लालच आ गया तो अब तो ना तो उसके पास मुर्गी रही और ना उसके पास पैसे आने वाले थे। बच्चों तो आपको अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है किसान, तो किसान का अर्थ तो आप जानते हैं ना, किसान कौन होता है, जो खेती करता है, अर्थात खेती करने वाला। किसान का अर्थ क्या होगा, खेती करने वाला। गरीब, गरीब का मतलब निर्धन। महात्मा, महात्मा का अर्थ होता है साधु। और रोज प्रतिदिन, लालच, लालच लोभ, और फल परिणाम। तो बच्चों ये कुछ शब्दार्थ दिए गए थे, आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर में जो ये प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको आपकी अगली कक्षा में बताऊंगी। आपको आज आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया है तो आपको होमवर्क से क्या करना है, इस पाठ को दोबारा पढ़ना है, ठीक है, पाठ दोबारा पढ़ेंगे तथा शब्दार्थ याद करेंगे। और क्या करना है, शब्दार्थ याद करने हैं, शब्दार्थ याद करें। तथा इसके साथ ही बच्चों आपको कुछ अपने आप कार्य भी करना है, जब आप पाठ कर लेंगे तो उससे संबंधित जो अभ्यास कार्य आपको दिए गए हैं वो आपको करने का प्रयास करना है। और इससे अगली कक्षा में मैं आपको उन अभ्यास कार्य का मिलान भी करवा दूंगी, ओके। जैसे आपको पहला अभ्यास कार्य है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, तो जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर सही वाक्य, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो आप यहाँ पर ये कुछ आपको अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो पहले आपको स्वयं करने हैं और उसके बाद जब मैं आपको उत्तर बताऊंगी तो आपको अपने उत्तरों का मिलान करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर ऑल वर्क एंड लर्न योर ऑल वर्क, ओके, थैंक यू। Computer very well.
picture. It looks like a television and this is the main part of a computer.